तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं मिंडल ट्रेडर्स। सो गाइज, आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर सीखेंगे जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। हर ट्रेडर के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। तो आइए देख लीजिए क्या करते हैं फटाफट से। सबसे पहले जो है हम लोग गूगल पर जाएंगे, ठीक है। गूगल पर जाके हम लोग सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू, और उसके बाद जो हमारा पहला ये है हम इसको खोल लेंगे। उसके बाद आप लोगों को आईडी बनानी है इधर जाके, ठीक है। वो आपको अपने आप दिख जाएगा, आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं वहाँ पे, अपना जीमेल आईडी से बना सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। लॉगिन विद जीमेल आईडी कर देंगे, जब आपकी सब कुछ हो जाएगी तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ ये इंटरफेस क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमको यहाँ पर स्नैप्स देखने को मिल जाती हैं, और उसके बाद हमें मार्केट समरी देखने को मिल जाती है कि कौन सी मार्केट कितनी चढ़ी, कितने पॉइंट चढ़ी, कितने परसेंट चढ़ी, ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल जाता है, जैसे ये है, उसके बाद इसका एक ग्राफ है, इसको हम कैंडल स्टिक में भी देख सकते हैं। मतलब ये ओवरव्यू एक दे देता है हमको मार्केट्स का। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, एडिटर्स पिक्स आ जाते हैं, स्टॉक्स आ जाते हैं, एंड हमको यहाँ पे ट्रेड आइडियाज लाइव स्ट्रीम मिल जाते हैं। उसके लिए हमें प्रीमियम लेना पड़ता है, उसके अलग अलग प्लान होते हैं। फिर हम यहाँ पे क्रिप्टो आइडियाज़ मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब इससे हमें ट्रेडिंग के आइडियाज़ मिल जाते हैं कि अभी ये बन रहा है, क्या बन रहा है। जैसे अभी ये बिटकॉइन के उन्होंने आइडिया डाला हुआ है कि इस तरीके से जो है अभी बन रहा है, एंड ये हमारा एक आइडिया हो सकता है कि इस तरीके से जाके हमको यहाँ तक की बाइंग मिल सकती है। तो ये अभी हमारा बिटकॉइन का हमें आइडिया मिल गया, इसने अपने हिसाब से एक एंट्री डाली हुई है। मतलब यहाँ पे सब अपने अपने आइडिया डाल सकते हैं। एंड ये हमारा एक मेन व्यू है। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारे को जो दूसरा देखने को मिलता है वो आता है सर्च बार। सर्च बार के अंदर हमें जो भी कुछ भी हमें डालना हो, जैसे हम इंडियन बैंक निफ्टी देखते हैं, क्रिप्टो देखते हैं, कोई करेंसी देखते हैं या कमोडिटी देखते हैं, वो सब हमको एक ही चार्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाता है। ये हमारा वेब बेस्ड चार्टिंग सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू। तो अब हमें यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन मिलते हैं हम ये भी देख लेते हैं। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक जो हम कह सकते हैं एक फीचर है, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम में आने वाला एक फीचर है। ये जो है मैंने अपने हिसाब से वॉचलिस्ट कुछ बना रखी है कुछ स्टॉक्स की, कुछ को हटाना है, कुछ को जो है रखना है। मतलब इनको मैंने अपनी एक वॉचलिस्ट बना रखी है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे कि मुझे कुछ भी डालना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे या तो इस प्लस पे क्लिक करूँगा या तो इस सर्चिंग पे क्लिक करूँगा। इस सर्च में जाके जैसे मुझे BTC डालना है, BTC USDT, या हम डाल देते हैं कोई स्टॉक का नाम, जैसे कि टाटा मोटर्स। देखिए मुझे टाटा स्टील और ये सब मिल गए, स्टॉक्स हैं, फ्यूचर्स है, फॉरेक्स है। बट इसके अंदर हमको एक चीज़ नहीं मिलती, वो है कि हम इसके अंदर एक चीज़ नहीं कर सकते, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। हम इसके अंदर नहीं कर सकते, हम नॉर्मल ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स करके, एंड यहाँ पे लॉन्च का आ रहा है, एंड अलग अलग तरीके से ऐसे हमको देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, टाटा मोटर्स पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमको जो है एक पूरा चार्ट देखने को मिल गया। एक बार के लिए मैं सब कुछ हटा देता हूँ जो मैंने इसके अंदर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और ये हम यहाँ पे वॉचलिस्ट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं प्लस पे जाके, एंड सारी चीज़ें। एंड हमको जो है यहाँ पे चार्ट देखने को मिल जाता है, और चार्ट देखने के बाद अब हमें जो ऊपर हेडर पे दिखती हैं कुछ चीज़ें, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हेडर में हमको कुछ देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे हम जाके कुछ भी डाल सकते हैं कि सिल्वर हमको देखना हो, ठीक है, सिल्वर माइक। मतलब ऊपर से जाके हम जो ये जिसमें हम ट्रेड करना चाहते हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं कि क्या चीज़ है। एंड उसके बाद में हमको यहाँ पे दिखता है प्लस कंपैरिजन के लिए, जैसे हमें टाटा मोटर्स को कंपेयर करना है निफ्टी वगैरह से, तो हमको यहाँ पे निफ्टी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। तो और उसके बाद हमको इसके बाद इस फीचर के बाद हमको देखने को टाइम फ्रेम। ये जो है हमारे पास टाइम फ्रेम है, ये आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, ये मैंने अपने हिसाब से जो है प्लस कर रखा था कि मैं इस टाइम फ्रेम में एनालाइज कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें हर टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक देखने को मिलती है। अभी आवर्डली का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ। शायद ये देखिए, हमें इस तरीके से टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडलस्टिक देखने को मिल जाती है।
एंड उसके बाद हमको यहाँ पे दिखता है कि हमें किस तरह की कैंडल्स, मतलब किस तरह के हमें ग्राफ देखने हैं, हमें बार चार्ट देखने हैं। ये हमको बार चार्ट देखने को मिल गया। और अगर हमको चाहिए कैंडल स्टिक का, तो हम कैंडल स्टिक का, जैसे ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं कैंडल स्टिक पर ही ट्रेड करते हैं, तो हम यहाँ पे कैंडल स्टिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है लाइन बनी होती है, तो हमें इसको कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अलग ये है, बट इसके लिए हमको ये है कि अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको प्रीमियम लेना पड़ता है इसका। तो बेसलाइन आ गया हमारे पास, एंड अभी हम लोग क्या करते हैं, कैंडल स्टिक्स पे चलते हैं। और ये देखिए, हमें इस तरीके से हमें कुछ वो दिखते हैं। फिर उसके बाद आता है इंडिकेटर। जैसे कि बहुत से लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो जो मेरा है, मैं ज़्यादातर इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, बहुत कम करता हूँ। कभी कभी मूविंग एवरेजेस का यूज़ करता हूँ, जो है स्टॉप लॉस ट्रेड करने के लिए, और RSI का यूज़ करता हूँ, RSI स्टोकास्टिक का यूज़ करता हूँ कभी कभार, अपना ये देखने के लिए कि मुझे सही पॉइंट पे एंट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है कि नहीं, रिट्रेसमेंट मुझे मिल गई कि नहीं मिल गई, वो एक थोड़ी एडवांस चीज़ हो जाती है। तो ये हमको देखने को मिल जाता है इंडिकेटर्स के अंदर। जैसे मुझे कोई भी इंडिकेटर लगाना है, जैसे कि मुझे लगाना है वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम जाके लिखूंगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल जाता है नीचे। इसको मैं चाहूँ तो अलग भी निकाल के रख सकता हूँ, तो मतलब कि हम लोग एक सेकेंड इसके सेटिंग कर लेते हैं। देखिए ये इस तरीके से हम इसकी लेयर भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ लगाना है, ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब क्या करते हैं हम इसके अंदर, जब हमारे को इतना आ गया इंडिकेटर हम लगा सकते हैं। जैसे हम इसमें लगा देते हैं RSI लगा देते हैं, स्टोकास्टिक RSI हमने यहाँ पे लगा दी, और हमको ये देखने को मिल गया। तो इस तरीके से हम जो है इसके अंदर ये भी लगा सकते हैं। हम फ्री के अंदर इसके अंदर सिर्फ 3 इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। और 3 इंडिकेटर हमको वैसे भी सफिशियंट रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो ये तो हो गया हमारा ऊपर का इंडिकेटर, और ये सब है ये ऑलरेडी जो सिस्टम्स होते हैं, हम उनको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये इन्होंने इसकी अपनी तरफ से दे रखे हैं, ठीक है। ऑसिलेटर्स का हो गया पूरा सिस्टम, या फिर इसका हो गया, मतलब ये ऑटोमेटिक सेव्ड होते हैं, हम अपने तरफ से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से हम इंडिकेटर का मतलब टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली यूज़ नहीं करता, क्योंकि सबका अपना अपना सिस्टम होता है, और मेरा भी अपना एक सिस्टम है। ये अलर्ट है, हम इसके अंदर एक ही अलर्ट लगा सकते हैं कि इस पॉइंट पर आए तो हमको अलर्ट मिल जाए। एंड जो रिप्ले है, ये हमें सिर्फ प्रीमियम में देखने को मिलता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ रिप्ले कर देते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ से हम लोग कर देते हैं डबल क्लिक। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग प्ले करते हैं तो हमें बैक टेस्टिंग में जो है बहुत मदद करता है। और शायद अगर इंडिकेटर हम लगा के रिप्ले करते हैं तो हमको वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। एंड उसके बाद जो है ये है, हम यहाँ पे दो स्क्रीन में मतलब कि चार्ट लगाएं तो उसके लिए वो है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें फुल स्क्रीन देखने को मिल जाती है कि हम इसे फुल स्क्रीन पे कैसे देख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम पब्लिश कर सकते हैं इसको, जैसे पब्लिश आइडिया किया था उस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम कोड वगैरह डालना होता है, बट मैं नहीं करना चाहता, इस वजह से स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं। सेव चार्ट इमेज, देखिए इस तरीके से हमारी इमेज हमको सेव होके मिल जाएगी, जो भी हमने एनालाइज किया होगा। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास इंडिकेटर्स किस तरह के होते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन हमको ड्रॉ करनी हो, कुछ भी हमें ड्रॉ करना हो, तो हम कहाँ से कर सकते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। पहले हम थोड़ा बाय टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा चार्ट क्लियर दिखे। सो ये देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे हमको एक क्लियर टाइम फ्रेम क्लियर चार्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ये है कि हमारा कर्सर किस तरीके से दिखे चार्ट के ऊपर, इस तरीके से, या एक इस तरीके से डॉट की तरह, या एक रेजर की तरह दिखे। तो इस तरीके से हम लोग एक एरो की तरह दिखे। तो जनरली मैं क्रॉस ही रखता हूँ, क्योंकि ये मुझे
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के तरफ का दिखाता रहता है ऊपर नीचे के, इस वजह से मैंने लगा रखा है। एंड उसके हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है, ठीक है। आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं इसको ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देख लीजिए, अभी आप ये मत देखिएगा कि मैं सही ड्रॉ कर रहा हूँ गलत ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बस ये समझिए कि ट्रेंड लाइन वगैरह हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है एरिया कैसे और कैसे कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में ही कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो हम इसको एज एरिया भी कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल हम ऐसे टूल यूज़ करके इसको इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह की ये हैं, हम जैसे कोई अपना टारगेट लगाना है, जैसे मैं कहूँ कि इसका ब्रेकआउट होगा और मुझे यहाँ पे कहीं पे एंट्री मिल गई है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्स्ट में क्लिक करके, इसका हम जो कलर है वो कर देते हैं ब्लैक कलर, हम इसका कर देते हैं बॉर्डर ब्लैक हो गया, टेक्स्ट कलर ब्लैक कर दिया मैंने। एंड मैं लिख देता हूँ कि बाय कीजिए यहाँ पे, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे बाय का एक डाल दिया, तो यहाँ पे हम और चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। और हमने डाल दिया इस तरीके से कि हमने प्रिडिक्ट कर दिया, मतलब ऐसा भी कुछ है नहीं, बट मैंने एक तरीके से ऐसे प्रिडिक्ट कर दिया कि मतलब और मतलब प्रेडिक्ट किया नहीं है, एक तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम टूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ये टूल है, ठीक है। हमने टारगेट लगा दिया, स्टॉप लगा दिया। ये टूल हमारा इसलिए काम करता है, किस लिए काम करता है, ये हमको रिस्क रेशियो रिवॉर्ड दिखाने में काम करता है। ये देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2, मतलब 1:2। एंड ये हमारे पास स्केल आ गया, मतलब ये अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं जो कि हर एक ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर एक को इन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। सो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, किसी को कोई डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है, यहाँ से आप लोग आइडियाज़ देख सकते हैं और ओके अपने खुद के आइडियाज़ की आइडियाज़ आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेना हो या कुछ करना हो, जैसे आपको दो चार्ट की ज़रूरत हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका ट्रायल भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें ट्रायल देखने को मिलते हैं, एनुअली भी मंथली भी, प्रो प्रो प्रीमियम प्रीमियम, और इसके अंदर क्या क्या है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो गाइस आई होप आपको पसंद आया होगा, और ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, और इसको हम लोग बैक टेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बैक टेस्टिंग मतलब सॉरी पेपर ट्रेडिंग तक भी यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा क्या, इन टूल्स को मैंने नीचे क्यों रखा है और किस लिए रखा है, इसको मैं हमेशा फुल स्क्रीन पे यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, एंड उसमें जो है ये साइड वाले बार जो साइड में जो हमें कॉलम दिखता है वो नहीं दिखता, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। और इसको मैं कैसे लगाता हूँ, मतलब इसको मैं जनरली यहाँ पे रखता हूँ, और इनको मैं यहाँ पे कैसे लेके आया वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये जो स्टार होता है मैं इसको क्लिक सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे देखो देखने को मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है आपका नीचे ही, आपका कहीं यहाँ आ गया हो यहाँ आ गया हो, तो इसको हम इस जगह से पकड़ के ऊपर नीचे यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, हम इसको पेपर ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से पहले इसको खींचेंगे, पेपर ट्रेड में जाके ये भी तो जो है एक बार लॉग आउट कर देता हूँ पेपर ट्रेड, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा दिखेगा पेपर ट्रेड इसमें करने के लिए, आपको इस तरह का कुछ स्क्रीन दिखेगा, तो ये पेपर ट्रेडिंग आएगा। तो पेपर ट्रेडिंग को कनेक्ट करना है आपको अपनी ईमेल आईडी से, देन उसके बाद आपको यहाँ पे 1 लाख कुछ अमाउंट दिखेगी, और आप उसको अपने हिसाब से सेटिंग भी कर सकते हैं, रीसेट पेपर ट्रेडिंग अमाउंट करके इस ये आपको अमाउंट मिलती है, अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से करा हुआ है। उसके बाद आपको क्या है अकाउंट हिस्ट्री देखने को मिल जाती है कि आपने क्या ट्रेड लिया कितना ट्रेड लिया, मतलब आप इसके अंदर भी स्ट्रेटजीज को यूज़ करके देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑर्डर हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, तो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसके अंदर बिटकॉइन क्रिप्टो स्टॉक्स इंडेक्स के फ्यूचर्स हर एक चीज़ में ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शंस को छोड़ के। बहुत ही ज़्यादा मतलब लगभग कुल मिला के बहुत ही बढ़िया ये सॉफ्टवेयर है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। ट्राई क्या, इसी को ज़्यादातर सभी ट्रेडर यूज़ करते हैं, अपना एक वेब बेस्ड चार्टिंग प्लेटफॉर्म है हमारा ट्रेडिंग व्यू, और ये अगर हम कहें एक ट्रेडर्स के लिए वरदान है ये सॉफ्टवेयर। और भी हैं जैसे अपना investing.com है, ठीक है, और अभी है चार्ट IQ करके है जो ज़ीरोधा देता है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट बेस्ट जो है वो ये है। हमें इसमें बैक टेस्टिंग भी देखने को मिल जाती है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का फीचर है। देखिए जैसे ये आ गया, देन उसके बाद मैंने कहा चलो जी इसके जब इसको तोड़ेगा तो मैंने टारगेट लगाया, मतलब कि लगा दिया जी हमने टारगेट, तो लगा दो जी, प्ले कर दिया हमने,
थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं हम लोग। इसको हम 30 मिनट में भी देख सकते हैं क्या? नहीं जी, उसके लिए तो हमको वही करना पड़ेगा अब टाइम फ्रेम का। तो गाइस कुल मिला के ये हमारा सॉफ्टवेयर था, आपको समझ आ गया होगा। और हाँ, जैसे कि अब इतना बड़ा आ गया ये, एक सेकंड मैं इसको हटा दूँ। सो गाइस यहाँ पे एक चीज आएगी कि ना, अब जैसे एकदम से सब पूरा चार्ट ऊपर नीचे हो गया, तो इसको सेट कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, ऑटो पे सिलेक्ट करेंगे और रीसेट चार्ट कर देंगे राइट क्लिक करके। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ समझ आ गया। और कुछ पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।